माँ पोटली खोल रही है तो उस पोटली में से कुछ निकलेगा, सोना चांदी। ये आप देखिए बड़ी मोटी गड्डी निकल गई वहां से, मंद मंद मुस्कुराते हुए थैलों में यहाँ पर रेता भर रहे हैं। तो गांव में मुंह मदद चलती है, मैं आपको बताता रहता हूँ। मेहंदी और शादियों का जो सीजन है वो एक बार फिर शुरू हो गया है, और आते ही माँ प्यारी सी मुस्कान दे रही है बापूजी को देख के। आपका स्वागत है, चंडीगढ़ आइएगा। ठीक है मिलते हैं। आप देख सकते हैं दरवाजे तक पूरा जो रेता है वो भर गया है। वो मोटी सी गड्डी थी, वो गड्डी अब बस इतनी बची हुई है, और ये भी हमारी नहीं है, अपने दो खच्चर वाले भाई अभी और आने वाले हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10 बज रहे हैं, एक बार फिर अपने गौशाला से आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, और आज के हमारे जो कैमरामैन हैं वो है हमारे बापू जी। क्या हाल चाल। बहुत बढ़िया, काले काले हो गए यार तुम आजकल। काले नहीं होना है, ऐसा काम पे लगा हुआ दिन भर रात भर। हाँ, काला तो हो गए ना आज। बिल्कुल काला कोई बात नहीं है यार। और आज यहाँ पर हमारे भाई साहब नहीं है, क्योंकि भाई साहब की ड्यूटी लगी है सुबह सुबह रोड पे जाने की, वहाँ पर जो रेतर होता है वो मतलब बिल्कुल खत्म करना है, अपने खच्चर वाले भाइयों के पास देना है। तो खच्चर वाले भाई जब तक आते हैं तब तक उन्होंने जो यहाँ पर डाला है रेता, ये आप देख सकते हैं, ये बड़ा सा ढेर इन्होंने यहाँ पर लगाया हुआ है, इसको अंदर डालना है। और आप में से कई लोग कमेंट कर रहे थे कि कोई बोल रहा था कि अंदर ही खच्चरों को ले जाओ, तो वो पॉसिबल नहीं है। और एक दो कमेंट ऐसे भी आ रहे थे कि आप दरवाजे पे खच्चर लगाओ और उसके बाद आप डाल सकते हैं, तो दोबारा आपको आफत नहीं होगी, ऐसा हम क्यों नहीं कर रहे हैं वो बापू जी से जानते हैं। अंदर डाल लेंगे कैसे, अंदर ले जाएंगे खच्चर तो घुमाएंगे कैसे। ना ना, अंदर का तो चलो नहीं, पॉसिबल नहीं है। जो खच्चर दरवाजे पे खड़ा रख के सीधे अंदर, अंदर कैसे जाएगा, नहीं जाएगा ना। ना ना जाएगा, खाली डालना पड़ेगा। तो डबल आफत नहीं हो रही हो वहाँ पे, फेंको पहले तो वहाँ खुर्चा जाएगा ही नहीं, फेंक नहीं पाएंगे वो। तो जो खच्चर वाले का भी खच्चर की खुर्चे है ना, वो रेता भी मतलब वो जो कटे उसमें हैं वो अंदर नहीं जा पाएंगे, इतने बड़े वो ऐसे चौड़े में रहते हैं। और वो आप बोल रहे थे दरवाजे पे डाल रहे हैं, तो दरवाजे पे ही डाल रहे हैं। थोड़ा ये है कि खच्चर बहुत सारे हैं, उनके मतलब पीठ में भी दर्द हो जाता है एक ही जगह पर काफ़ी टाइम तक खड़े रहने में, इसीलिए यहाँ पर डाल देते हैं। थोड़ा बहुत मेहनत हम भी कर लेंगे, तो इसमें कोई जाता हमारा है नहीं, थोड़ा समय लगेगा, पर चलो कोई नहीं, सबका ठीक ठाक होना चाहिए, इसीलिए हम यहीं पर डलवा रहे हैं और फिर अपनी मेहनत करके अंदर डाल रहे हैं। और यहाँ देखो अपनी माँ भी पहुँच गई है, और आते ही माँ प्यारी सी मुस्कान दे रही है बापूजी को देख के, और पता नहीं क्या बोल रही है। क्या बोल रहे, ये इसको यहीं पर रखेंगे। यहाँ पे क्यों रखेंगे, उसको भी अंदर रखेंगे। हाँ तो यार माँ अभी तो खच्चर फिर आ रहे हैं, कहाँ डाल रहे हैं वो, मिट्टी डालेंगे एक साइड में डालेंगे। जगह नहीं है, तो जगह है ऊपर फेंकना पड़ेगा। तो चलो ऊपर में फेंक, ज्यादा देर नहीं करते हैं, काम चालू करते हैं। माँ तुम भी करोगे कुछ काम, चलो काम बाद में, चाय पहले। नहीं लाया, और कमेंट आ रहे थे उसमें मत पियो वाली चाय डिस्पोजल में, प्लास्टिक के गिलास में क्यों पी रहे हो, क्यों बीमारियां होती है, कैंसर जैसी बीमारियां हैं जब तुम्हारे घर में गिलास हैं तो क्यों लाते हैं लोग किसको? वो तो लोग अपने बर्तन धोने के वो से लाते हैं, देखना वो सब बर्तन धोने की वजह से होता है कि बर्तन कौन धोएगा उतने सारे, कहाँ से लाएंगे, वो ज्यादा लोगों में होता है। तुम तो चार लोग हो, चार में भी तुम डिस्पोजल का यूज कर रहे हो, ये अच्छी बात है नहीं है। हम पता भी नहीं था, हमारे पास पता भी नहीं था, हमारा रेगुलर हो गया, नहीं तो एक दिन के लिए होता है। हाँ जैसा शादियाँ हैं, पार्टियाँ हैं, कुछ भी है तब चलता है, चलो कोई नहीं, एक दिन के लिए डेली कहाँ से कर रहे हैं, एक टाइम एक दिन। चलो तब फटाफट पियो, उसके बाद काम करते हैं, अभी खच्चर वाले आने वाले हैं। तब तो मैं फटाफट के आया। हाँ अच्छा, काम नहीं कर रहा। तो चलिए हमने यहाँ का जो रेता है वो अंदर जैसे ही डाला, तो वैसे ही अपने खच्चर वाले भाई लोग भी पहुंच गए हैं एक रेते का और चक्कर लेके। तो रेते का जो काम है वो लगभग समाप्त हो गया है, तो अब इनकी होती है छुट्टी। और यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पर माँ पोटली खोल रही है, तो उस पोटली में से कुछ निकलेगा, सोना चांदी। ये आप देखिए बड़ी मोटी गड्डी निकल गई वहाँ से। परसों माँ बोली थी पैसे खत्म हो गए, लेकिन ये पैसे पता नहीं कौन सी तिजोरी से बाहर निकले हैं। है माँ
भाई साहब के पैसे वाली। मैं नहीं देना देखो। अब भाई साहब परसों 10,000 रुपये मेरे से मांग रहे थे किराए के लिए। अब यार ऐसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें। और माँ देखो हिसाब किताब माँ का इतना तगड़ा है ना, अगर आज माँ पढ़ी लिखी होती मतलब स्कूल जाती ना तो माँ कौन से पद पे होती? अभी परेशान नहीं करेंगे, माँ की गिनती खराब हो जाएगी। भाई साहब बताएंगे कौन से पद पे होती माँ, अगर जिस हिसाब से माँ का दिमाग चलता है। ठीक है फिर तो माँ हम इंजीनियर बोलते हैं लेकिन माँ सही में जेई होती है। गिनने का काम भाई साहब का है यार, इनकी गिनती बहुत तगड़ी है। दो चार तो सबसे छोटे से शुरुआत, सबसे छोटे को सबसे बड़ी गड्डी वाल, उसके बाद बड़े बड़ों की। नाराज मत होना वाल हैं, मजा आ गया। आदमी जब कोई भी काम करता, मैं हमेशा बोलता हूँ चाहे मैं ही करता हूँ, जब उसके बदले कुछ ना कुछ मिलता है तो बड़ी खुशी होती है। तो पिछले 6-7 दिनों से ये रेता सार रहे थे, आज उनको उनकी मेहनत मिल चुकी है तो मज़ा आ गया। तो अपने भाई लोग चल पड़े हैं और जो मोटी सी गड्डी थी वो गड्डी अब बस इतनी ही बची हुई है और ये भी हमारी नहीं है। अपने दो खच्चर वाले भाई अभी और आने वाले हैं, उनको ये गड्डी दी जाएगी। तो चलो उनका इंतज़ार करते हैं, जब तक वो आते हैं तब तक फिर से जो ये रेता है इसको अंदर डालते हैं। अंदर हम रेता तो डाल रहे हैं लेकिन अब रेता डालने की जगह है ही नहीं, इसीलिए अपने भाई साहब देखो सीधे ऊपर चढ़े हुए हैं और वहाँ जगह बना रहे हैं रेता डालने की। तो ऐसा ऐसा करना पड़ रहा है। तो हमारे दो और खच्चर वाले जो भाई थे उनका भी हिसाब किताब आज हो गया है और जित्तो भाई तो पीठ उतर करके गिन रहा है भाई, कहीं कम ना हो जाए। नहीं जित्तो भाई नजर ना लग जाए। तो भाई अब देखो अब आई ना खुशी, कोई कमी पेशी है तो बता दे यार जी। तो भाई तो अपने खच्चर वाले भाई लोग चल पड़े हैं सब घर की ओर। अब कुछ दिनों तक वो बिल्कुल आराम करेंगे जब तक हम कुछ और चीज़ें नहीं मंगाते हैं। फिलहाल रेते का जो काम है वो लगभग हो ही गया है, अगर कम पड़ेगा तो वो बाद में देख लेंगे। और अब यहाँ पर देखिए माने यहाँ से भी बोरी बोरी सब उठा दी है और यहाँ पर जो ये रेता अभी अभी डाला है इन्होंने, तो ये रेता शाम को अंदर रखेंगे या मतलब इसका मसाला मसाला बनाएंगे। तो जहाँ पर हमने कॉलम खड़े कर रखे हैं तो उन कॉलमों को भी भर देंगे नीचे से। तो चलो जो भी होगा वो आपको कुछ टाइम के बाद अब देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी के लिए हमारी छुट्टी हो गई है और अंदर के हाल आपको मैं बताऊं तो ये आप देख सकते हैं दरवाजे तक पूरा जो रेता है वो भर गया है। चलें घर अब पक्की बात। और ये बैग देखो 2 दिन से गौशाला तक आ रहा है लेकिन गौशाला से नीचे नहीं जा रहा है क्योंकि फिर काम यहीं पर कर रहे हैं तो फिर कहीं जाने के लिए हो नहीं रहा है। तो चलो अब घर चलते हैं। तो मैं घर आ चुका हूँ और खाना भी तैयार है और खाने में आप देख सकते हैं भात है, उसके साथ माल्टा है और खीरा है और हमारे पहाड़ का स्वादिष्ट साग चौंसा है। दोस्तों शाम के 3 बज रहे हैं और एक बार फिर पहुंच चुके हैं हम अपनी गौशाला पर। गांव से धूप गायब हो चुकी है, मौसम ठंडा हो गया है, इसीलिए ठंडे ठंडे मौसम में मैं यहाँ पर लेके आया हूँ गर्मा गर्म चाय। तो मैं पी रहा हूँ, मेरे साथ साथ यहाँ पर माँ और बापू जी हैं। हेलो, क्या सोच रही है माँ? कुछ नहीं सोच रही है। ठीक है, तो बापू जी थोड़ा जल्दी आ गए थे तो बापू जी ने आज भी थोड़ा यहाँ पर काम किया है। ये वाला काम तो हमने कल कर दिया था, आज बापू जी ने थोड़ा इधर वाला काम किया है। तो बहुत जल्द यहाँ पर जो कॉलम है इनको भी भरने का काम करना पड़ेगा, तभी जाके और जो काम है वो फटाफट होंगे। फिलहाल अभी चाय पीते हैं तब देखते हैं। मेरा तो अभी बैग आप देख सकते हैं पीठ पर लगा हुआ है तो मुझे अभी रोड पर जाना पड़ेगा अपनी लोकल दुकानों पर, वहाँ पर कुछ काम है। तो अभी माँ चाय पी ली हमने और चाय पी के देखो माँ यहाँ नींबू के पेड़ से
नींबू निकाल ली है क्योंकि मुझे अभी अभी कॉल आया है, अभी नहीं वैसे सुबह आ गया था, कि कोई पंजाब से मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, वैसे उनका गांव भटवाड़ी ही है लेकिन वो पंजाब ही रहते हैं, तो वो घर आ रखे हैं, तो उन्होंने बोला रोड तक थोड़ा एक हेल्प कर देना कि माल्टे और जो नींबू है आजकल हमारे पहाड़ का कलियो, तो वो लेके आना। तो मैं जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा इनको भी लेके चलते हैं। तो जो नींबू है वो रख दिया है मैंने बैग में, और जो माल्टे हैं वो यहाँ पर कट्टे में भर के रख दिए हैं। तो चलो अब यहाँ से निकलते हैं रोड की ओर। माँ, बापूजी और अभी अभी भाई साहब भी पहुँच गए हैं, तो ये तीनों यहाँ पर एकदम बढ़िया सा काम करते रहेंगे, तो हम वहाँ का काम निपटाते हैं, ये यहाँ का निपटाते रहेंगे। और भाई साहब क्या नहीं मिल रहा है? ग्लव्स नहीं मिल रहे हैं। चलो इधर उधर निकाले, दौड़ा हो ना तभी तो मिलेंगे, खड़े खड़े क्या मिलेगा। बहुत जो मैं माल्टे लेके आया था वो लेके आया था गुरुजी के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी वीडियो देखते रहे ना, बस आपके दर्शन करवाते रहे सामने। बिल्कुल बिल्कुल, केदार बाबा जी के रोज आएंगे कभी चंडीगढ़, आपका स्वागत है, चंडीगढ़ आइएगा। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय। और यहाँ गोलू महाराज पहुंचे हुए हैं भाई, आज रोड पे सैर सपाटा चल रही है। और क्या छिपा रहा है हाथ में बता दो, ये। क्या है वो? नाम बता मेरे को, मेरे को पढ़ना थोड़ी नहीं आता है, नाम है ना? मेरे को नहीं आता है ना पढ़ना, ले रखो। ना जो नाम बता पहले इसका, मुझे क्या पता नाम नहीं है, अपने ले रखो, अपन दस रुपए दो इसके। हाँ, मलाई वल, मलाई रबड़ी वल, मलाई रबड़ी, अच्छा मावा मलाई रबड़ी, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, दो तीन अलग क्रीम। ये तो मेरे को दे रहा था, तो पकड़ अभी रहा है, ले 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 ले, पकड़ भी रहा है, ले 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 ले, पकड़ पकड़ जा। तो रेते का जो काम है वो मैंने बताया था समाप्त हो गया है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर काफ़ी रेता बचा हुआ है, तो ये खच्चर वाले भाई लोग लेके नहीं गए, तो इसको आराम से कट्टों में भर के यहीं पर रख देंगे या घर ले जाएंगे, वो बात की बात है। फिलहाल अपनी चाची जी मंद मंद मुस्कुराते हुए थैलों में यहाँ पर रेता भर रहे हैं, तो गाँव में मुँह मदद चलती है, मैं आपको बताता रहता हूँ। तो चलो, चाची मैं हो गया और हिमांशु भाई हो गया, और साथ साथ में डवली हो गई, और एक और चाची आ रखी है, तो सब मिलजुल कर इन थैलों में भरते हैं इनको। तीन कट्टे मैं लेके आया था, तीन कट्टे हमने भर दिए हैं, इसके बाद चाची लोग चल पड़े हैं घर की ओर। हम देखते हैं इसका क्या कर सकते हैं, ये भी काफ़ी सारा रेता है आप देख सकते हैं, लेकिन मिट्टी के साथ सब मिक्स हो गया है, तो यहाँ से इसको वहाँ डाल देते हैं, फिर वहाँ से कट्टे लेके उठा देंगे। क्यों हिमांशु भाई, जिंदाबाद। तो ये देखिए, जितना हो सकता था वहाँ से मैंने वो इकट्ठा कर दिया है, और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा बहुत पैक कर दिया है, उसके साथ काफ़ी मिट्टी आ रही है, इसीलिए उसको अलग से थैलों में भरेंगे और तब जाके लेके जाएंगे। तीन थैले यहीं पे रखेंगे, इनको भी जब अपने खच्चर वाले भाई लोग आएंगे तो वो लेके जाएंगे। तो चलो, अपनी व्यवस्था यहाँ पर हो चुकी है, जो अपना काम था वो हो गया है, अब थोड़ा घर का जो सामान है वो लेके जाना है, तो सामने दुकान से फटाफट सामान भी रखते हैं।
तो अभी मस्त घूम घाम के और जो सामान मेरे से मंगाया था वो सामान लेके मैं पहुंच चुका हूँ घर पे और अभी बैठा हूँ अपने सर्दियों के किचन वबरा भीतर में। और यहाँ पर मेरे साथ है अपनी माता जी। अजय भाई क्या खांसी खांसी हो रही है माँ को जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ। और आज यहाँ पर बापूजी आपको देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि बापूजी जा रखे हैं मणगो गांव में, वहां पर मेहंदी है तो मेहंदी और शादियों का जो सीजन है वो एक बार फिर शुरू हो गया है क्योंकि कल है मकर संक्रांति और आप लोगों के उसमें कई लोगों की आज मकर संक्रांति आज थी तो अब मतलब त्यौहार भी आप पता नहीं क्या हो रहा है कभी किसी के कैसे कभी किसी के कैसे, लेकिन हमारे यहाँ जो मकर संक्रांति है खिचड़ी त्यौहार है वो कल होने वाली है तो त्यौहार तो कल है लेकिन मुँह मीठा हम आज ही कर लेते हैं। तो आज हमारे घर में आज ही है त्यौहार को इसी दिन को कहते हैं हमारे यहाँ त्यौहार आज ही को मानते हैं मकर संक्रांति कल हो। तो अब क्या करते हैं माँ के साथ यहाँ पर खाना बनाने में मदद करते हैं और आज का जो व्लॉग है उसको यही तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलते हैं कल मकर संक्रांति के व्लॉग के साथ। सबसे पहले आपको एडवांस में मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मिलते हैं कल, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय, टाटा।